अपग्रेटस है जिसे सेक्शन पंप भी कहते हैं। इसका यूज किसी पेशेंट के नाक से या मुंह से ब्लीडिंग होता है तो किया जाता है, या फिर डिलीवरी के समय बच्चे के मुंह में कुछ गंदगी चला गया उसको निकालने के लिए, या फिर कोई पेशेंट जहर खा लिया हो उसे सक करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इसमें इस पाइप को कनेक्टिंग सेक्शन पाइप कहते हैं, और इसको कनेक्शन जार कहते हैं। इसको कनेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। ये जो ब्लास्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें जब हम किसी पेशेंट के अंदर ये डालते हैं पाइप, तो इसमें से जो मतलब जो चीज इसमें कलेक्ट होती है वो इसमें डायरेक्टली जब भर जाता है तो इसमें जाती है। ये जो अंदर का बचा है ये वाला वॉल्व बोलते हैं, इसको वॉल्व बोलते हैं, सेंट्रल फ्यूजन वाल्व बोलते हैं इसे। इसको तो ये क्या करता है, इसका सारा इसमें जाता है तो ये क्या करता है ऊपर बंद कर देता है, जिससे ये अपार्टर्स में इसका मोस्टाइज अंदर नहीं जाता है। फिर इसमें से जो है ये फिल्टर करने का काम करता है। फिर ये जो है ये कलेक्शन जार जो है उसमें जब भर जाता है तो ये सारा जो ट्यूब है ये अपने आप मशीन चलने लगता है। ये जो है ये कंट्रोल करता है, इसके अंदर एक पंप लगा रहता है जिसको सेंट्रल फ्यूगल पंप बोलते हैं।